प्रेजेंट सिनेरियो Machine learning has almost done the humanization of machine. Now to discuss about such emerging technologies, I would like to invite Mr. Adarsh Trivedi, a senior data scientist working on real life applications of machine learning and data science. So on the behalf of Vision Group of Institutions, I cordially welcome Mr. Adarsh Trivedi to proceed further. Sir, please. Thank you, ma'am. For this introduction. And thank you, Rehan, sir. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Hello, everyone. I hope आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी. हाँ, दर्शन क्लियर है. रेहान जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. हाँ, हाँ, बस तो बस आपको हम होस्ट कर रहे हैं सर, एक मिनट. हाँ सर, शेयर कर लीजिए. पीपीटी शेयर करेंगे क्या सर? हाँ, पीपीटी में तो पहले सर ओपन कर लीजिए, फिर शेयर करिए. हाँ, हो गई, आ गई. हाँ, हो गई, अब विजिबल है. हाँ, जूम कर लीजिए. ठीक. क्या भी विजुअल? यस सर, विजुअल फाइन. ओके, सो दिस पीपीटी और दिस वेबिनार विल कंप्राइज टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड लेटेस्ट रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और उसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो ये वेबिनार कुछ उसके अराउंड ही रहेगा. तो पहले मैं आउटलाइन दे देता हूँ कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा. तो बहुत सारे लोगों को जो अभी बिगनर्स हैं इस फील्ड में, उनको बहुत कुछ कंफ्यूजन रहता है कि क्या डेटा साइंस है, क्या मशीन लर्निंग है, क्या एआई है, और ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं या इनमें बीच में क्या रिलेशन है. तो पहले कुछ एक थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, फिर उसके बाद हम डेटा से अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ें होंगी. थोड़ा सा उसको मैं बताऊँगा कि डेटा साइंस एक्चुअली क्या है. तो डेटा साइंस को जब हम डेटा साइंस से जब हम किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसका वर्कफ्लो कैसा रहता है, और फिर इसमें एआई पर्सपेक्टिव ऐड करके और हाउ देन मशीन लर्निंग कम इनटू प्ले इनटू द एआई पर्सपेक्टिव, फिर मैं उस पर आऊँगा. देन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बताऊँगा कि क्या क्या होती है मशीन लर्निंग के टाइप. देन मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो क्या होता है, फिर उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, और फिर उसके कुछ मैंने दो एग्जांपल्स आपके लिए प्रिपेयर करे हुए हैं हैंड्स ऑन, तो रियल लाइफ डेटा सेट पे वो मैं आपको बताऊंगा. तो लेट्स बिगिन. ओके, सो ये दो पिक्चर्स हैं आपको विजिबल होंगी आई होप. सो दिस इज अ वेरी फेमस पिक्चर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग चर्च. सो जो आपके लेफ्ट साइड में पिक्चर दिख रही है वो 2005 की, एंड द राइट वन पिक्चर इज ऑफ 2012 सॉरी. सो आप देख रहे होंगे कि पहली पिक्चर में केवल लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतनी नहीं है, एंड सेकंड पिक्चर में आपको केवल लोगों के साथ जितने लोग हैं उनसे ज्यादा शायद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी. और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे आप अपना फोन हो या आप हाथ में अपने स्मार्ट वॉच वियर कर रहे हो, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक डेटा इमिट कर रही है जो आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, आपका सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है. और जो भी कंपनीज हैं, जो भी एआई में इन्वेस्टेड कंपनीज हैं, वो आपके डेटा से कुछ बिजनेस इंटेलिजेंस निकाल के, कुछ इंसाइट्स निकाल के उससे वो अपना बिजनेस कैसे इंप्रूव कर सकती हैं और आपको कैसे वो बेनिफिट कर सकती हैं अच्छी सर्विस देने में. तो एक एआई और डेटा साइंस बूम जो है आफ्टर द डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू बूम, दिस इज द रियल रिवॉल्यूशन इन द इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो शुरू करते हैं फिर. सो आफ्टर दिस इतनी सारी डिवाइसेस और इतना सारा डेटा हमारे पास, आप अमेजोन ब्राउज करिए या मिंत्रा ब्राउज करिए, आप क्या क्या प्रोडक्ट देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, आपने क्या रिव्यू दिया, उससे क्या क्या इनसाइट्स निकल रही है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है बेसिकली, सबके पास उसके लॉग्स जा रहे हैं कंपनी के पास. तो कमिंग टू डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड एआई, तो
पहले तो AI, what is AI? तो AI आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि any technique which enables computer to mimic human behavior. Basically, जो भी हमारा human intelligence है, उसको अगर कोई computer mimic कर लेता है, तो that is AI. और आपने शायद पढ़ा हो तो basically एक Turing test होता है. Basically, 1950s में ही एक computer scientist थे, Alan Turing, जिन्होंने एक Turing test बनाया था basically. तो उसको अगर कोई पास कर लेता था तो वो होता था कि ये कंप्यूटर नहीं है, ये ह्यूमन है. तो उससे ही फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो डोमेन निकला, तो दैट डोमेन, उसके सब डोमेन है मशीन लर्निंग. तो इन एआई डोमेन देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स व्हिच सम ऑफ आर ऑफ द मशीन लर्निंग डोमेन्स, सम आर ऑफ नॉट. तो मशीन लर्निंग में क्या है, और फिर मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, कुछ हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फीचर निकाल के प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, देन इंडक्टिव रीजनिंग, देन डिडक्टिव रीजनिंग्स एंड ऑल. उसके बाद जो हमारी मशीन्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है कि वो बेटर प्रॉब्लम को लर्न कर पाए, बेटर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लर्न कर पाए. उसके बाद मशीन लर्निंग में क्या हो रहा था, अब सपोज मैं आपको कुछ ह्यूमन फेसेस देखता हूँ, जैसे आप फेसबुक चलाते होंगे तो देखते होंगे वो आपकी फोटो को अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो आप अगर देखते हैं तो अब मैं उससे बोलूं तो मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या है कि आपको मैनुअली फीचर्स कुछ कुछ डालने पड़ेंगे. तो सपोज आप कोई अमेजोन ब्राउज करते हैं और अमेजोन को आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं, तो आप अमेजोन में सपोज जो डेटा साइंटिस्ट होंगे उन्होंने देखा होगा कि आपकी एज क्या है, आप 18-24 यूथ में लाई करते हैं, आपका जेंडर मेल है, आपका जेंडर फीमेल है, उसके बेसिस पर आपकी रिकमेंडेशन हिस्ट्री. देन आपके कुछ कुछ होंगे अदर फीचर्स होंगे कि आप कितने बार दिन में लॉग इन करते हैं, एक प्रोडक्ट को आप कितनी बार देखते हैं. तो ये सारे हो गए कि जो डेटा साइंटिस्ट वहां पे बैठा होगा उसने सोचे कि ये मैनुअल फीचर्स हो सकते हैं आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न को समझने के लिए. तो बट डीप लर्निंग क्या है, जिसमें वो ML का भी एक सबसेट है, बट अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सपोज अब मैं आपको दे दूं कि फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम दे दूं और आपको बोलूं कि फेस रिकॉग्नाइज कराइए, तो आप उसमें कैसे रिकॉग्नाइज कराएंगे, आपको फिर मैनुअली फीचर्स उसमें ढूंढना कि मेरी नोज के पास एक यहाँ पे थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आईज के पास मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ऐसे, आईब्रोज के पास ऐसा. तो वो मैनुअल फीचर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे जो एक नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट या नॉर्मल ह्यूमन के लिए शायद निकालना थोड़ा टफ होगा, और जिसकी वजह से हम कुछ फीचर्स मिस कर देंगे, तो जो हमारी एल्गो होगी वो भी कम एक्यूरेसी देगी और हमारा प्रेडिक्शन भी उसके हिसाब से खराब होगा. तो उसका एक ML का ही सबसेट है डीप लर्निंग, जिसमें बेसिकली बहुत सारे विच कंप्राइजेस ऑफ द मेनली न्यूरल नेटवर्क. तो इसमें क्या होगा कि इसमें न्यूरल नेटवर्क होंगे, तो बेसिकली आपको एक आपके डेटा सेट के हिसाब से यू हैव टू गिव वन इनपुट वेरिएबल एंड द अदर आउटपुट रिजल्ट. सो इन बिटवीन ऑल दिस व्हाट विल हैपन इज जो भी न्यूरल नेटवर्क होगा वो खुद ट्रेन होगा, वो खुद समझेगा कि इस इनपुट से इस आउटपुट को मिमिक करने के लिए मुझे क्या-क्या क्या-क्या कंपटीशन या क्या-क्या फीचर्स निकालने पड़ेंगे. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको दूं अगर, तो डेटा साइंटिस्ट, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है आप देखिए इसको, तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस. अब सपोज आप तो अभी जैसे नंबर्स पे, जैसे अगर सपोज करिए मैं वेदर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ या कुछ सपोज किसी चीज की क्वालिटी प्रिडिक्शन है या कुछ ऐसा है जहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं कि फीचर वन की वैल्यू ये है, फीचर टू की वैल्यू ये, तो मैं नंबर्स से खेलूंगा. बट अगर मैं इसी पे टेक्स्ट पे आ जाऊँ, सपोज आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गूगल पे आप कीबोर्ड जो होता है आपके फोन का, उस पर आप कुछ टाइप करते हैं तो ऊपर कुछ कुछ रिकमेंडेड नेक्स्ट वर्ड्स आते रहते हैं और आप उसको टैप करते हैं, आपका कीबोर्ड उससे इंप्रूव होता रहता है. वो आपके मशीन लर्निंग मॉडल आपके पैटर्न से सीख कर अपने आप को इंप्रूव करता रहता है, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जान पाए कि आप नेक्स्ट वर्ड क्या टाइप करने वाले हैं. और फिर इमेजेस में, इमेजेस एक अलग ही डोमेन है. देन वीडियो, वीडियो एनालिटिक्स एक अलग डोमेन है. ऑडियो, स्पीच, ये सारे अलग अलग डोमेन है. तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इन सारे डोमेन्स, प्रॉब्लम और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस पर लगाएंगे, जो बेसिकली एक AI सिस्टम डेवलप होगा, जो आपका नॉर्मल जो फेस रिकॉग्निशन या कुछ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या जैसे रिव्यूज, आपकी कोई ई कॉमर्स साइट है जिसपे आपके कुछ कुछ रिव्यूज हैं, कुछ अच्छे रिव्यूज हैं, कुछ खराब रिव्यूज हैं, तो यूजर्स को कैसे रिव्यूज दिखाने, ये सारी चीजें. तो उसके बेसिस पे जो काम एक ह्यूमन कर रहा था वो हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर या नॉर्मल
सिस्टम कर पाएगा. तो दिस इज द ऑल ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई. सो नाउ कमिंग टू डेटा साइंस. सो डेटा साइंस क्या इज द साइंस ऑफ डेटा. सो बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग डेटा. सो जिसमें कुछ कुछ ये मैंने एक वेन डायग्राम पिक करा है, काफी फेमस वेन डायग्राम. आप कभी भी डेटा साइंस अगर कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको जरूर यू विल एनकाउंटर विद दिस वेन डायग्राम. सो व्हाट द लिस्ट से दिस सेज दैट डेटा साइंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस योर डोमेन एक्सपर्टीज प्रोग्रामिंग स्किल्स नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम द डेटा. सो आप इसमें लेफ्ट वाला पार्ट अगर देखेंगे, वर्ड थोड़ा मिसनोमर हो सकता है हैकिंग स्किल्स, बट इट कंप्राइजेस ऑफ द कंप्यूटर साइंस डेटा इंजीनियरिंग रैंगलिंग एंड द कोडिंग पार्ट. देन कम टू द मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज एंड देन द सब्सटेंसिव एक्सपीरियंस. आप अगर ई कॉमर्स में किसी यूजर का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, बट अगर आपको खुद ही नहीं पता है कि उस यूजर के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं या क्या क्या उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमारे यूजफुल होंगे, तो आप उस चीज को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. सपोज आप अभी लोग आप सारे मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे. सो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको कुछ एक ड्रग डिस्कवरी करनी है यूजिंग सम डेटा साइंस एंड एआई, तो आपको अभी पता ही नहीं है कि ड्रग डिस्कवरी में मेरे पास क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि उसका थेरेपेटिक एरिया क्या होगा, वो किस किस जेंडर में लाई करेगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल किस किस टेस्ट पे हुआ है. तो उसके लिए सब्सटेंसिव एक्सपीरियंस. देन आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज, इस पर भी मैं आऊंगा. दिस विल कंप्राइज अ बिग पार्ट ऑफ द डेटा साइंस, क्योंकि ये पार्ट आपको सीखने में नॉर्मली अभी क्या है, अभी इतने सारे MOOCs, इतने सारे ओपन कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई, तो लोग कोडिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दीज थिंग्स लोग सीख जाते हैं. बट कमिंग टू द थियोरेटिकल नॉलेज, व्हाट गोज बिहाइंड इनटू द सिस्टम, कि अगर मैं आपको बोलूं कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम उसके पीछे वो कैसे काम कर रही है, तो उसके पीछे आती है थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसके लिए आपको चाहिए होगा मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज. तो एंड कमिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, मैथ्स, दिस कंप्यूटर साइंस कोडिंग एंड द सब्सटेंसिव एक्सपीरियंस, नाउ कम्स आउट ऑफ इट इज द डेटा साइंस. सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी. नाउ आफ्टर दिस, जो मैंने जैसे मैंने पहले बताया, आप कुछ भी गूगल पे ब्राउज करते हो या फेसबुक पे पोस्ट देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, देन अमेजोन कुछ आप देखते हो, आप गाने सुनते हो स्पॉटिफाई पे, या फिटबिट आप स्मार्ट वॉच वेयर करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, एप्पल या गूगल मैप्स या कुछ भी, वीजा आप क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, ऑल दिस थिंग जनरेट डेटा एंड ऑल दिस थिंग इमिट्स योर बिहेवियर, इमिट्स योर ब्राउजिंग पैटर्न, इमिट्स योर क्लिकिंग पैटर्न. सो ये सारी चीजें, ये सारा डेटा जो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, तो ये जो भी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी डेटा साइंस में एआई में काम कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से बिजनेस इनसाइट्स कैसे जुटाई जाए जिससे वो आपको बेहतर तरीके से सर्व कर पाए और आप उनको वो आपको रिटेन कर पाए बेसिकली. तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा. एंड आप जैसे देख रहे हैं कि अब तो इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है, जब बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे अलग कंप्यूटेशन पावर भी चाहिए होंगे. तो इसके बाद जब इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है, तो इट विल लीड टू अनदर न्यू फील्ड जो कि बिग डेटा है. तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. मैं उसमें आज नहीं जाऊंगा बिकॉज टुडेज वेबिनार इज ओनली कंसंट्रेटेड टू द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई. तो बिग डेटा एक कंप्लीट अलग चीज है, उस पर अगर होगा तो कभी और आगे पॉसिबल होगा तो वो मैं करूंगा. बट आज इस जो नॉर्मल डेटा है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, उससे हम लोग कैसे इनसाइट्स निकाल सकते हैं, तो दिस विल कंस्टिट्यूट टू दिस. नाउ कमिंग टू द डेटा साइंस वर्कफ्लो, तो मेनली फोर स्टेप्स होते हैं. नाउ इसके बाद मैं डेटा साइंस की लाइफ साइकिल पे भी आऊंगा, बट इस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि डेटा साइंस का वर्कफ्लो होता कैसा है, आप इस पर काम कैसे करते हैं. तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, डेटा एक्वायर करना. तो मैं जैसे मैं हर बार ई कॉमर्स कंपनीज का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे और शायद हर यूजर रिलेट कर पाता होगा, कि आप कोई भी फोन में प्रोडक्ट ब्राउज करते हैं तो उसमें जो भी आपका डेटा है, वो लोग लॉग्स के जरिए या किसी भी चीज के जरिए वो अपने सर्वर्स पे वो डेटा ले लेती हैं, और उस डेटा से फिर मीनिंगफुल इनसाइट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, उस पर कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा वो सेकेंड स्टेज में उसको प्रिपेयर करती है. जो भी आपका डेटा आ रहा है अभी, तो एक सपोज उन्होंने आपका यूजर ऐसे तो रखा नहीं होगा कि आदर्श त्रिवेदी का यूजर ये है, इन्होंने ये प्रोडक्ट क्लिक किया, ऐसा तो नहीं रखती होंगी.
तो व्हाट दे'ल डू इज दे एक्वायर योर यूजर डेटा बेस्ड ऑन सम यूनिक आईडीज एंड ऑल. उस डेटा को उतना उन्होंने सपोज मेरा नाम एबीसी रखा है, तो यूजर एबीसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्रोडक्ट ब्राउज किया, तो उसको आपके हिसाब से प्रिपेयर करेंगी. तो बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, तो उस मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाना, उसको डेटा प्रिपेयरिंग कहते हैं. दिस विल प्रिपरेशन विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड ऑल. मैं उस पर भी और भी आऊंगा, बट आफ्टर दिस डेटा प्रिपरेशन नाउ कम्स द एनालिसिस पार्ट. इस एनालिसिस पार्ट में क्या होता है, आपको अपनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सपोज आपकी आज प्रॉब्लम है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की, तो आप हो सकता है इसको सॉल्व कर रहे हो, बट कल हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो कि आपकी कुछ साइट है, आपका कुछ बिजनेस है, उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, या हो सकता है कि आपकी साइट है कुछ उस पर फेक रिव्यूज आ रहे हो, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे. तो प्रॉब्लम के हिसाब से आपका ये एनालिसिस वाला पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, ये वेरी करता रहेगा. और इसमें क्या क्या होगा, अब आप इसमें एनालिसिस में आएंगे तो आप पहले बहुत सारी एल्गोज होती हैं, बहुत सारी, तो आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उस एल्गो को चूज करना है कि बेसिकली मेरी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के हिसाब से, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे कौन सी एल्गोज लग सकती हैं, तो उस पर बहुत सारी इवेल्यूएशन होगा. फिर हेड टू हेड इवेल्यूएशन, आई वुड से कि आपने बहुत सारी एल्गोज ट्राई करी, इसमें से बेस्ट कौन सी एल्गो परफॉर्म कर रही है. तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है, दिस विल लीड टू अ मेजर पार्ट इन द डेटा साइंस वर्क फ्लो. एंड आफ्टर दिस, आपने जब ये सारी चीजें मॉडल कर लिया, एक्यूरेसी निकाल ली, उसको एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप उसके रिजल्ट से उस पर एक्ट कैसे कर सकते हैं. सपोज मैंने निकाला कि मैंने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के कुछ कुछ एल्गोज निकाली और उससे मैंने कुछ कुछ रिजल्ट निकाले. अब मैं इस प्रोडक्ट, इस रिकमेंडेशन एल्गो को मैं अपने बिजनेस, अपने ई कॉमर्स साइट या अपने किसी भी कंपनीज में कैसे यूज कर सकता हूँ यूजर्स को बेटर रिटेन करने में और बेटर रेवेन्यू जनरेट करने में. तो फोर्थ पार्ट इज दैट डोमेन. नाउ कमिंग टू द डेटा साइंस लाइफ साइकिल, जो मैंने यहाँ पे वर्क फ्लो में चार स्टेप में चीजें बताई, दिस विल ऑल्सो उसको सब डिवाइड करेगा. दिस विल डिग डीपर इन टू होल दोज डोमेन. नाउ फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बोला इज द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. तो सपोज जब आप रियल वर्ल्ड या जो भी इंडिया में कंपनीज काम कर रहे हैं, इसमें काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप आज रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं, कल उस वक्त फ्रॉड डिटेक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा कैसा चाहिए, और उस डेटा पे आप, उस डेटा से जब आप जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकालेंगे, तो आप उससे उस पर एक्वायर, उस पर एक्ट क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे. एंड नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट. आपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग समझ ली कि मुझे कल अपनी कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चीज बनानी है, बट मैं डेटा कहाँ से लाऊंगा. उसके लिए मुझे अपने एप्स में ही, अपने वेबसाइट में ही, या अपने प्रोडक्ट में ही कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे, जिससे मैं डेटा माइनिंग करूंगा. देन द थर्ड पार्ट इज डेटा क्लीनिंग. आफ्टर मैंने डेटा, मेरे पास आ गया, आफ्टर आई एक्वायर द डेटा, अब मैं उस पर क्या करूँ. जैसा मैंने बताया कि आपके पास बहुत सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होगा कि एबीसी यूजर, एक्स वाई जेड यूजर, ब्राउज दिस प्रोडक्ट एटसेट्रा. तो आपको उसको क्लीन करना है, उसको एक फॉर्मेट में लाना है जो मशीन समझ पाए. अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट अ मशीन अंडरस्टैंड एंड व्हाट नॉट. तो दिस थर्ड पार्ट इज द डेटा क्लीनिंग पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट इज डेटा एक्सप्लोरेशन पार्ट. तो जब दिस पार्ट, द फोर्थ पार्ट, ये बहुत सारी चीजें और भी आपको इनसाइट देगा. तो इट विल नॉट जस्ट कि आपने एक्सप्लोर कर लिया कि हाँ ये मेरे पास तो डेटा काफी अच्छा आ गया है, बट फोर्थ पार्ट में जब आप देखेंगे तो आपके पास होगा कि आप, हो सकता है जैसे आपका कुछ न्यूमेरिक डेटा है, तो आप हो सकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें, हो सकता है आप उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएफ फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करें, तो आप देखें कि हाँ मेरा मोस्टली यूजर तो इस सेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं इस वाले डेटा को अलग से एक मॉडल डील करूं और पिछले वाले डेटा को, जो फिर कम डेटा है, उसको मैं अलग से डील करूं, क्योंकि वो बहुत एनोमली है उन दोनों डेटा में, तो उस पे दो मॉडल, दो अलग डेटा पे सेम मॉडल काम नहीं कर सकते. तो दिस एक्सप्लोरेशन विल ऑल्सो गिव अस मेनी इनसाइट्स, जो आप आगे, अभी जो मैं ये फीचर रेंजिंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है, इन सब पे यूजफुल होंगी. इन द फिफ्थ स्टेप इज द फीचर इंजीनियरिंग. तो जैसा मैंने बताया, डेटा साइंस एंड द मशीन लर्निंग, आपके कुछ कुछ जो भी आपके पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, उस पर मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग भी हो सकती है, देन द ऑटोमेटिक फीचर इंजीनियरिंग भी हो सकती है, विच कंप्राइजेस ऑफ द डीप लर्निंग पार्ट. सो इन द फीचर इंजीनियरिंग सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि
सपोज कुछ न्यूज का डेटा है एंड आपको सपोज करना है न्यूज क्लासिफाई करने की वेदर दिस न्यूज विल कम फ्रॉम द इंडिया डोमेन दैट इज द कंट्री सेक्शन और इट कंप्राइजेज ऑफ द वर्ल्ड डोमेन और इट कंप्राइजेज ऑफ द स्पोर्ट डोमेन और इट कंप्राइजेज ऑफ द टेक्नोलॉजी डोमेन और द एंटरटेनमेंट डोमेन और समथिंग एल्स. So, इसके अकॉर्डिंग आपको इस पे फीचर इंजीनियरिंग करनी, आपके फीचर्स क्या क्या होंगे. तो अगर मैं एक न्यूज का एग्जांपल जैसे ले रहा हूँ तो हो सकता है इस न्यूज में आपकी उस न्यूज की हेडिंग क्या है, उस न्यूज के क्या क्या टेक्स्ट हो सकते हैं और इस बेसिस पे हमने कुछ कुछ उसके मैनुअल फीचर्स बनाए. अगर आप मशीन लर्निंग पे काम करें, अगर आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हैं तो आपने डीप लर्निंग का मॉडल, तो सपोज जैसे डीप लर्निंग पे मैं आऊंगा कि डीप लर्निंग में बहुत सारे एल्गोज होती हैं, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. तो वन इज कॉल्ड द कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एंड अदर इज कॉल्ड द आरएनएन दैट इज कॉल्ड द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. एंड उसके बहुत सारे एडवांसमेंट अभी आ गए हैं जैसे LSTM देन BERT एंड ऑल. इट इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी देन बाई डायरेक्शनल इनकोडर डिकोडर एटसेट्रा. तो उसमें ये फीचर इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक हो सकती है बट उस एल्गो उस न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, दिस विल कंप्राइज टू दैट पार्ट इफ यू आर वर्किंग इन द डीप लर्निंग डोमेन. इफ यू आर वर्किंग इन द मशीन लर्निंग डोमेन देन यू हैव टू डू दिस ऑल दिस मैनुअली, कि आप खुद सोचेंगे कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. नाउ इन द सेकंड सिक्स स्टेप दैट इज द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप विच एल्गो वुड यू चूज. सो जैसे मैंने बताया, सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल जैसे CNN है, तो CNN convolution neural network is work best for the image domain, not for the time series domain, जैसे transaction data या time series data है कि suppose आज मैंने ये करा कल मैं ये करूँगा, ये मेरे अगर ऐसा कुछ data है times का data है तो CNN don't work best on that, but CNN work best on the image data. तो मैं अपने data के हिसाब से मैं choose करूँगा कि मुझे कौन सा model लगाना है. Then data, उसके बाद in the seventh step I would visualize the data, I would get the all the results and then would act on that accordingly. So this will comprise the whole data science life cycle according to this section. Now coming to jo maine pehle first slide mein baat kari thi, AI and machine learning and data science, jo bhi isme bahut sare pain points hote hain aap logo ke liye ki kya differences hote hain, kya similarities hoti hain. So AI, you can understand AI as a big tent, big umbrella under which all this machine learning, natural language processing, expert system, computer vision, speech, planning, robotics, all this comes under the big tent of AI. And in the machine learning domain, then deep learning, supervised machine learning, unsupervised machine learning, in the natural language processing, there comes the text extraction, classification, machine translation and all. In the speech section, jaise aap अपने फोन पे बोलते हैं हे गूगल व्हाट्स द टाइम टुडे एंड गूगल कन्वर्ट्स दैट स्पीच टू द टेक्स्ट, दैट इज द अनदर कंप्लीट अनदर डोमेन. सो दैट इज द अदर डोमेन एंड ऑल दिस कम्स अंडर द AI. सो जब आप इन सारे एल्गोस को एक बड़े सिस्टम, एक बड़े प्रोडक्टिव सिस्टम, एक बड़े प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, देन यू विल से दिस प्रोडक्ट इज एन AI बेस्ड प्रोडक्ट, नॉट जस्ट आपका एक एल्गो है. आप उसको नहीं बोलेंगे कि यार ये AI एल्गो है या कुछ ऐसा. AI is a big tent under which all these things comes. Now coming after we talk about the AI, now coming to the AI perspective. AI perspective, jaisa maine bataya, this is the like the true intelligent system, true AI based system need to adapt their behavior. Suppose agar main aaj suppose recently abhi jaise TikTok ban hua, तो आपने देखा जैसे टिकटॉक में व्हाट टिकटॉक डज इज टिकटॉक लर्न्स योर बिहेवियर. सपोज आप आज अगर आधा घंटा स्पेंड कर रहे हैं देन इट विल लर्न, एंड सपोज आपने अगर छोड़ दिया उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट चलाने लगे, कुछ और यूजर, कुछ और एप्स चलाने लगे, तो टिकटॉक विल कंटिन्यू टू रिकमेंड यू सम कि दिस प्रोडक्ट इज ट्रेंडिंग, दिस समथिंग, दिस वीडियो इज ट्रेंडिंग, दिस न्यूज इज ट्रेंडिंग. सो आप उसके बेसिस पे वो अपना बिहेवियर आपके पैटर्न के हिसाब से अडेप्ट करेगा टू सर्व यू इन अ बेटर वे. सो दिस इज अ ट्रूली इंटेलिजेंस, ट्रूली AI बेस्ड सिस्टम एंड हाउ इट विल अडेप्ट, देन कम्स टू द मशीन लर्निंग. अगर डेटा के हिसाब से देन इफ इट इज द टेक्स्ट देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इफ इट इज द इमेजेस देन कंप्यूटर विजन, इफ इट इज स्पीच देन अदर पार्ट्स. सो दिस इज द लर्निंग यूजिंग विच द AI और द इंटेलिजेंट सिस्टम लर्न्स. नाउ कमिंग टू द मशीन लर्निंग, as we have talked already, so this and ho sakta hai aapko lagta ho ki this is all a boom, this is all a buzz nowadays, but
इट्स अ वेरी ओल्ड फील्ड जिस पर बहुत काम हो रहा था पहले से भी. सो आप अगर ये देखें, ऑर्थर सैमुअल, ही वाज अ बिग साइंटिस्ट, ही वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट इन द मशीन लर्निंग डोमेन एट इन द 1960s. So he gave the definition that machine learning is a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. So ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर को explicitly program करना है कि suppose अगर आपके पास आज एक data आया, suppose एक user आया, आपको उसके हिसाब से आपने program बनाया, but अगर कल को नया user आएगा तो आपको फिर से उसके लिए नया program generate करने की जरूरत नहीं है. वो उसके behavior, उसके pattern, उसके data के according अपने आप को रन करेगा एंड उसके बेसिस पे उस यूजर को सर्व करेगा, उसको रिजल्ट देगा. सो यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर एवरी यूजर. अब सपोज आप अगर सपोज करिए कि अमेजोन अगर हर यूजर के लिए पर्सनल रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने लगे तो उसके मिलियंस ऑफ यूजर हैं, तो उसको कितने मिलियंस प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको वो मिलियंस यूजर्स के लिए हर यूजर के लिए अलग रिकमेंडेशन बनाए. तो देर इज वन एल्गो which is serving all the millions people, and how it is serving I will come to later. Now coming to the machine learning, coming to the types of machine learning, there are mainly three types. Aapne supervised, unsupervised, maybe you have heard of, but there is also a third type of machine learning that is called reinforcement learning. In the supervised learning, you have the labeled training data. What this term labeled training data means is आपके पास यू हैव अ डेटा सेट ऑफ हाउसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ, एंड आपके पास कुछ डेटा है कि इफ हाउस इज ऑफ एक्स लेंथ एंड वाई विड्थ देन द प्राइस ऑफ हाउस इज दिस, इफ ए लेंथ एंड बी विड्थ देन द प्राइस ऑफ हाउस इज दिस. सो आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें आपके पास प्रेडिक्शन लेबल डेटा है कि ये मेरा इनपुट है तो आउटपुट ये है. दिस इज कॉल्ड लेबल्ड डेटा, जिसमें आपके पास हर डेटा पॉइंट पे लेबल मौजूद है. नाउ कमिंग टू द अनसुपरवाइज्ड, अगर मैं बोलूं, मैं आपको जैसे मैंने आप वो मैं बात कर रहा था कि न्यूज है, तो आपने अगर आपने कभी खोला हो, जैसे आपको ये दिख रहा है news.google.com, आप कभी इसको खोलेंगे तो आप ये देखिए ये क्या करता है. दिस विल जनरेट न्यूज फॉर वन सेक्शन एंड क्लस्टर्स इनटू वन डोमेन. तो ये क्या बोल रहा है, इसमें एक ये जो आपको ये बार दिख रहा होगा, ये छोटा सा बार, ये बोल रहा है कि ये इसमें क्लास टेंथ या जो भी क्लास टेंथ या एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, ये उसकी सारी न्यूज है. और इसने क्या करा हुआ, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया.com, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, और उसकी अलग अलग न्यूज को क्लस्टर करके एक टॉपिक में कर दिया है. आप इसके नीचे आएंगे, देन द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ द एनकाउंटर एंड ऑल, then coming to the coronavirus update, then the Nepal PM update, and all it does is it clusters all that topics news into one cluster or one heading. So how it does that? कि आपके पास न्यूज में ऐसा डेटा अवेलेबल होगा कि ये न्यूज इस सेक्शन की है? नहीं ना. टाइम्स ऑफ इंडिया तो केवल न्यूज प्रिंट कर देता है, न्यूज अपनी साइट पर दे देता है, वो ऐसा तो डेटा आपको नहीं देता होगा कि भाई ये इंडिया की न्यूज है, इसमें नेपाल पीएम की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा. तो हाउ डज दैट लर्निंग वर्क इज द अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके पास डेटा अनलेबल्ड है और आपको हिडन स्ट्रक्चर और हिडन पैटर्न फाइंड करके आपको निकालना है कि आपको उससे यूजफुल इंसाइट्स, मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना है. So, मैंने आपको बताया लेबल ट्रेनिंग डेटा, देन दी इन दी अनसुपरवाइज सेक्शन वी हैव अनलेबल डेटा. इन दी सुपरवाइज सेक्शन जैसे मैंने बात करी दिस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की, अब इसी पे मैं आ जाऊं. मैं आपको मुझे अपने यूजर्स, सपोज मेरा बिजनेस है कोई और मैं अपने यूजर्स, जो मेरे यूजर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको क्लासीफाई करना चाहता हूँ कि वो बहुत एक्टिव है, वो मॉडरेटली एक्टिव है और वो रेयरली एक्टिव है. तो ये मेरे अभी मैंने अब क्या कर दिया, जो मेरा प्रेडिक्शन क्लास हो गई, ये मेरी तीन स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन, तीन एक्सक्लूसिव क्लासेस हो गई जो मेरी, जिन पे मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ. तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट, इस सुपरवाइज सेक्शन में दो क्लासेस हो जाएंगी बेसिकली. वन इज रिग्रेशन, जो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की तरह है, जिसमें मेरे जो इनपुट वेरिएबल हैं वो मेरे कंटिन्यूअस हैं बेसिकली. मेरा एक प्राइस, एक लेंथ विड्थ का प्राइस 1-2 भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और प्राइस जो मेरा आउटपुट वेरिएबल है वो भी 1-2-3-4-5 या कुछ भी हो सकता है. बट इन द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ द सुपरवाइज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वी हैव वेरी रिजिड क्लासेस, दैट इज जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया कि यूजर इज वेरी एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव और रेयरली एक्टिव.
and I have explained the unsupervised machine learning part, I guess, very clearly, that we have unlabeled data and we have to find the hidden instruction patterns from them. Now coming to the reinforcement learning, jaise aapne coming to the, in the reinforcement learning, suppose aapne chess khela hoga laptop ya apne desktop pe, to usme computer khelta hai ya kuch AI based games hote hain, to wo khelta hai, to wo kaise kaam karta hai? To रीइन्फोर्समेंट लर्निंग अगर आपको जानना है तो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली दो पार्ट होते हैं. वन इज द रिवॉर्ड एंड अदर इज द पनिशमेंट. सो आप अगर जैसे आपने एप्पल बोला या आपने जब आप छोटे होंगे तो आपने कुछ बोलना सीखा होगा तो आपको कैसे अगर आपके आपने बोला कि आपने एप्पल को सही पहचाना तो आपके पेरेंट्स ने आपको रिवॉर्ड दिया, आपको चॉकलेट दी. बट अगर आपने एप्पल को गलत पहचाना तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको थप्पड़ मार दिया. दिस विल इज अ पनिशमेंट कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अभी आप एप्पल सही तरीके से नहीं पहचाना. तो दिस इज द रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पार्ट वेयर यू गेट अ रिवॉर्ड व्हेन यू करेक्टली प्रेडिक्ट वन इनपुट वेरिएबल, वन आउटपुट वेरिएबल फॉर सम स्पेसिफिक इनपुट, एंड यू गेट पनिश्ड इफ यू रॉन्गली प्रेडिक्ट दैट. सो दिस इज द रीइन्फोर्समेंट लर्निंग. इस पे बहुत सारे गेम्स, जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने न्यूज सुनी होगी कि चेस के ग्रैंड मास्टर को इस कंप्यूटर ने हरा दिया, इस AI बेस्ड गेम ने हरा दिया. तो दैट लर्न्स दैट हाउ दैट computer, how that system learns is using reinforcement learning. Basically it is very widely used in the gaming or the AI based gaming to learn the sequence of action and learn the sequence of active users. So suppose agar main apna game learn karwaunga to jo uska grandmaster ya jo uska leaderboard mein top hoga, main uska games ke pattern bhi usko de dunga ki bhai dekho ye is game ka leader hai, is game ka topper I would say, इस गेम का लीडर है जिसके पैटर्न्स ही हैं. जब ये ऐसे ऐसे खेलता है और जो इसका सेकंड है वो ऐसे खेलता है तो हो सकता है फर्स्ट वाला किसी पोर्शन में अच्छा खेलता हो एंड सेकंड वाला किसी पोर्शन में अच्छा खेलता हो. तो हमारा कंप्यूटर, हमारी एल्गो क्या करेगी, दोनों के अच्छे अच्छे पोर्शन पिक करके अपने आप को बेस्ट बनाएगी एंड इट विल लर्न फ्रॉम देयर बेस्ट बिहेवियर्स बेसिकली. सो नाउ कमिंग टू द मशीन लर्निंग वर्क फ्लो. इसका वर्क फ्लो आप देखेंगे तो इट विल लुक सिमिलर टू द डेटा साइंस लाइफ साइकिल और होगा ही वैसा ही, बिकॉज डेटा साइंस में कई बार एनालिसिस और एक्सप्लोरेशन विजुलाइजेशन पार्ट कई बार ज्यादा होता है. मशीन लर्निंग में जब आप काम करते हैं तो बेसिकली आपके एंड में इवेंचुअली यू विल डेवलप अ मॉडल, यू विल डिप्लॉय इट एंड यू विल मॉनिटर इट एंड मैनेज इट एंड होल अदर थिंग्स कम. सो इसके लिए मैंने एक इसको डिफरेंट सेक्शन रखा था ताकि आपको बेटर समझ में आए. सो दिस वर्क फ्लो इन द फर्स्ट पार्ट द सेम इज प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. प्री प्रोसेसिंग जैसे मैंने आपको बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा उससे मुझे उसको क्लीन करना होगा. इन द सेकंड पार्ट वी हैव फीचर इंजन, आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर. एंड इन द थर्ड पार्ट डाइवर्स एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको बताया कि CNN वर्क्स वेरी गुड ऑन द इमेजेस बट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वर्क्स वेरी गुड ऑन द टाइम सीरीज डेटा. तो अगर मेरे पास टाइम सीरीज डेटा होगा तो मैं फोर्थ स्टेप में एल्गोरिथम सिलेक्शन में मैं RNN को चूज करूंगा अगर मेरा डेटा वैसा है और CNN को चूज करूंगा अगर मेरा डेटा वैसा है. और then in the fifth step we have training and tuning. So suppose क्या होता है कि आपके पास एक novel architecture जो researchers computer scientists ने बना दिया कि this is the convolutional neural network and this is the architecture. अब हो सकता है कि आपकी images के हिसाब से वो that will not perform good on your data set. उनके डेटा सेट पे हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आपके डेटा सेट पे हो सकता है अच्छा ना परफॉर्म कर रहा हो. तो how will you overcome this problem is you have to tune your model. Now for the tuning of your model there are various hyperparameters called. So basically in the machine learning models your model basically learns how to come to a global minima of the losses. So basically agar aap kuch ek rigid structure jaise maine house price prediction bataya aapko, to agar maine bola ki aapko जैसे हाउस की लेंथ 1 है, विड्थ 2 है एंड द प्राइस इज 3, बट और मैं अगर प्रेडिक्ट करूंगा कि इसका प्राइस 2.9 में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो 2.9 और 3 के बीच में बेसिकली एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड के बीच में गैप बहुत कम है, लॉस इसका बहुत कम है. बट अगर मैं इसका प्राइस प्रेडिक्ट करने लगा कि 10 है बट एक्चुअल प्राइस इज 3, तो इसका लॉस आप देखेंगे तो दिस कम्स टू द 7, तो इसका लॉस बहुत ज्यादा है. तो ये जो मेरा सेकंड मॉडल है ये बहुत खराब कर रहा है बट फर्स्ट मॉडल 2.9 प्रेडिक्ट कर रहा है जो फेयरली ओके है. सो दिस इज अ गुड मॉडल, इसको मैं ट्यून कर सकता हूँ. अगर मेरा रिजल्ट लॉस मेरा बहुत ज्यादा आया तो मुझे इसको ट्यून करना पड़ेगा.
सो इसके लिए दिस कम्स टू द ट्यूनिंग पार्ट जिसपे हम हाइपर पैरामीटर्स हमारे चेंज करेंगे कि लर्निंग रेट क्या क्या हो सकता है, जो हमने ऑप्टिमाइजर यूज करा है मशीन लर्निंग एल्गो में क्या क्या हो सकता है. बहुत सारे ऑप्टिमाइजर आते हैं तो इसके न्यूआंसेस बहुत सारे हैं, तो दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वन वीडियो. तो आई विल कम टू द एग्जाम्पल सेक्शन लेटर जिसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे चीजें हो रही हैं. नाउ इन दिस आफ्टर द ट्यूनिंग पार्ट देयर इज वन असेंबलिंग पार्ट. असेंबलिंग में हो सकता है कि आपको कई बार आपका एक मॉडल अच्छा परफॉर्म ना करे, तो आपको कई सारे मॉडल्स को ज्वाइन करके एग्रीगेट करके उनके इनपुट, हो सकता है एक मॉडल का आउटपुट आपको दूसरे मॉडल में ऐसा इनपुट लेना पड़े, देन आफ्टर दैट इनपुट जो आपका सेकंड मॉडल से फाइनल आउटपुट आया वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा हो. तो दिस कम्स टू द असेंबलिंग वेयर आप कई सारे मॉडल्स कंबाइन करते हैं, देन हेड टू द हेड टू हेड मॉडल कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया, देन ह्यूमन फ्रेंडली इनसाइट्स जो मॉडल से कई बार इनसाइट्स आती है. हो सकता है बहुत डेटा साइंटिस्ट तो उसे समझ जाए बट जो मेरा मैनेजमेंट का बंदा है वो हो सकता है ना समझ पाए, तो उसको समझाने के लिए क्या हमारी एक मीनिंगफुल इनसाइट जो एक नॉर्मल लेमैन टर्म्स में भी यूजर्स को समझाई जा सके, उसके लिए ह्यूमन फ्रेंडली इनसाइट. देन द इजी डिप्लॉयमेंट कि आप अपना मॉडल इजिली डिप्लॉय कर सकते हो, वो इतना हैवी ना हो कि आपका प्रोडक्ट आपका ऐप आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाए या कुछ ऐसी हो जाए जिससे वो डिप्लॉय ही ना पाए. और फिर मॉडल के बाद कम्स टू द मॉनिटरिंग एंड द मैनेजमेंट पार्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस सेक्शन बेसिकली यू मॉनिटर योर मॉडल कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग. इट इज परफॉर्मिंग. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो डेटा आया योर मॉडल इज परफॉर्मिंग फेयरली ओके ऑन दैट डेटा, बट इट इज परफॉर्मिंग वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू द रियल डेटा एंड दिस इज द रियलिटी. सो इन दिस बेसिकली मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट यू मॉनिटर योर मॉडल कि आपका मॉडल रियल वर्ल्ड डेटा पे भी अप्रॉक्स फेयरली उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितना आपने अपने सही डेटा सेट में देखा था या उससे खराब परफॉर्म कर रहा है. तो दिस कम्स टू दिस होल लास्ट पार्ट इज दैट पार्ट. नाउ आई जस्ट गिव अ ब्रॉड एप्लीकेशन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन. जैसा मैंने बताया ई कॉमर्स सेक्शन में कि आइडेंटिफाई कंज्यूमर, जैसे आप हो सकता है आप अमेजोन बहुत ब्राउज करते हो, मिंत्रा बहुत ब्राउज करते हो, तो इट विल segregate you as an active user or moderately active user, या हो सकता है कि आप frequently product buy कर लो तो हो सकता है आपको उसने कुछ एक prime users करके बना दिया हो जिसके लिए अलग discounts देता हो, या आपको reviews analyze करने हो. Now in the finance section आपको हो सकता है customer segmentation या fraud, जैसे credit card या debit card में fraud होता है तो बहुत सारे banks analyze करते हैं कि fraud कैसे detect कर पाए. जैसे मैंने आपको हेल्थ केयर में बताया ड्रग डिस्कवरी में आपको किसी मेडिसिन आपको कोई मेडिसिन पे या किसी ड्रग पे काम करना है कि इस डिसीज के लिए कौन सा ड्रग हेल्पफुल हो सकता है, तो ड्रग्स में बहुत सारे बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, उसके बाद ड्रग एक मार्केट में आ पाता है. तो इसको हम कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं, उसके लिए हम AI बेस्ड टेक्निक्स का मदद लेते हैं. एंड देन अदर सेक्शंस मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट बैंकिंग एंड ऑल. So these are the broad applications of the data science and machine learning. Now, as I told, I will also cover a hands-on example. So I have covered mainly two algos, the linear regression and the logistic regression. Linear regression, as I told, the house price prediction, jahan pe hamare inputs continuous honge, and logistic is basically jahan pe rigid classes hongi, 0, 1, 2, 3, jo meri 4-5 classes hongi, mujhe usme classify karna hoga. So is pe main aata hun. आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. सो बेसिकली दिस इज द पाइथन, ऑल द पाइथन लाइब्रेरीज. हो सकता है यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद द सिंटैक्स एंड द कोडिंग, सो यू मे थिंक दैट कि ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट प्लीज बियर विद मी फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली. होप यू विल गेट सम नॉलेज आउट ऑफ इट. सो दिस इज द ऑल द लाइब्रेरीज बेसिकली. So when you begin your journey into the machine learning and data science, you learn that there are various Python libraries available, which help you to which help you to learn or which help you to implement the machine learning models in a very very clever or very expedite way. So I will just implement this. I will run this all this program one by one in front of you so that you can learn it better and see how it is doing. सो बेसिकली मैंने इस स्टेप में सारी लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट करी. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रीड द CSV. सो व्हाट दिस डज इज दिस रीड द CSV एंड उस CSV के कॉलम क्या क्या हो सकते हैं. ये वेदर की CSV, इस CSV में फीचर्स हैं, डेटा डेट है, प्रेसिपिटेशन है, विंड गस्ट है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिन टेम्परेचर, तो ये सारे उसके फीचर्स हैं. और इस डेटा सेट
का साइज कितना है, तो बेसिकली यू सी दैट इस डेटा सेट का साइज 119,040 टोटल डेटा है, जिसमें फीचर्स मेरे 31 है, बेसिकली 31 कॉलम्स है, कुछ कुछ ऐसे जिसमें कुछ कुछ नल वैल्यूज हैं, कुछ कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं। फिर मैं उस पे डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब करूंगा, तो वो बताएगा मुझे कि उसका मीन क्या है, काउंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एंड 25% क्वार्टाइल, 50% क्वार्टाइल। सो ऑल दिस इज डेटा एक्सप्लोरेशन पार्ट। एंड इनिशियल में ही, बिगनिंग में ही आपको डेटा, जैसे मैंने बताया डेटा विजुलाइजेशन का, तो मैं मिनिमम टेम्परेचर वर्सेस मैक्सिमम टेम्परेचर का एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, जो कुछ मुझे देखा कि मैंने देखा कि ऐसा एक लाइन बन रही है। तो अगर मैं अब मैं इसको देखकर मैं हो सकता है मैं सोचूं कि हाँ मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन शायद लगा सकता हूँ, जो मेरी एक लाइन फिट कर देगा y = mx + c, जो इसको बेटर इमिटेट कर पाए, तो मैं बेटर प्रिडिक्ट कर पाऊंगा मैक्सिमम टेम्परेचर यूजिंग मिनिमम टेम्परेचर। सो दिस वॉज द नॉर्मल प्लॉट। नाउ कमिंग टू दिस इज बेसिकली दिस इज द बार चार्ट। And in the bar chart, there is one kernel density estimation part, जो basically आपकी frequency के हिसाब से आपके data को arrange कर देता है। तो आप इसमें देखेंगे, basically it's a normal data visualization part. I won't spend much time into it. So we have limited time. So then what this does is it will reshape your data. Then this part, basically what this you see is यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट साइज 0.2 है। तो हमने अपने डेटा सेट को बेसिकली दो पार्ट में बांटा, 0.8 मेरा ट्रेनिंग डेटा होगा और 0.2 मेरा टेस्ट डेटा होगा, जिसमें मैं क्या करूंगा कि 0.8 पर मैं अपना मॉडल ट्रेन करूंगा, फिर मैं 0.2 पर टेस्ट करूंगा कि जो मैंने 0.8 पर अपना मॉडल बनाया है वो उस 0.2 को अच्छे तरीके से इमिटेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो दिस जस्ट डिवाइड्स द योर डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। नाउ ये यहाँ पर मैंने एक ये लाइब्रेरी होती है scikit.learn, इससे मैंने लीनियर रिग्रेशन डायरेक्टली इंपोर्ट कर रखा है। बट अगर आप इसको स्क्रैच से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी इसलिए मैंने इसको जस्ट एज अ इम्पोर्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने उसको ले लिया। देन मैं उस पर आप देखिए, तो लीनियर रिग्रेशन में जैसे कि जैसा मैं बता रहा था कि आप एक y = mx + c = something कुछ लाइन प्लॉट कर सकते हैं, तो ऐसी कुछ लाइन की प्लॉटिंग होगी जिसका इंटरसेप्ट जो y = mx + c में सी होगा वो कुछ ऐसा होगा और m कुछ ऐसा निकल के आएगा, जिसके बाद वो उस डेटा सेट को बहुत अच्छे से इमिटेट कर पाएगा। फिर मैंने उसको प्रेडिक्ट करा बेसिकली, देन ये बेसिकली अब ये क्या, ये लाइन व्हाट दिस लाइन इज डूइंग इज कि ये मेरा एक्चुअल वैल्यू थी 28.8 समथिंग और मैंने प्रेडिक्ट करा उसके करस्पॉन्डिंग 33.67। ये लाइन बता रही कि मेरा एरर इस लाइन में 3 है, इस लाइन में समथिंग कुछ 31.1 को मैंने प्रिडिक्ट करा 30 समथिंग। तो दिस लाइन इज सेइंग जस्ट दिस कि एक्चुअल प्रिडिक्टर में क्या डिफरेंस था। फिर मैं फर्स्ट 25 वैल्यूज को प्लॉट करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये देखिए, ये दिखा रहा है आपको एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में डिफरेंस कितना है। द ब्लू लाइन इज एक्चुअल एंड द ऑरेंज वन इज प्रिडिक्टेड वन। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर ज्यादा है, यहाँ पे एरर ज्यादा है, यहाँ पे एरर बहुत कम है, तो यहाँ पे उसने बिल्कुल accurate predict किया। Now we just plot this scatter plot. Okay, so हमारा जो model बनेगा वो ये line बनेगी, this red line, and जो उसका mean absolute error होगा वो 3.1119 something होगा, then the squared error will be 17.60. These are different types of error which you will encounter when you do some project or do some personal project or professional project into this, जहाँ पे आपको project business understanding के हिसाब से इस errors को deal करना आना चाहिए कि ये इतनी error आ रही है तो मुझे इस portion में ये error लेनी है, next project में मुझे कोई और error लेनी है। Now जैसे इसमें बताया, इसमें basically एक ही function था, एक ही variable था, input variable attributes था, तो that is called the simple linear regression। अब ये एक वाइन quality का basically data set है, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता होगा। तो बेसिकली एक वाइन क्वालिटी का डेटा सेट है कि वाइन की क्वालिटी क्या है, जिसमें क्वालिटी आपको बेसिकली प्रिडिक्ट करनी है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी 5 to 6 7 समथिंग कुछ। इसमें बहुत सारी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं साइट्रिक एसिड एंड ऑल दीज एसिड, ये सारे फीचर्स हैं, इस फीचर्स के बेसिस पर आपको उस वाइन की क्वालिटी प्रिडिक्ट करनी है। तो मैंने ये देखा कि पहले तो उस डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज नहीं है तो सारी फॉल्स आ रही हैं। फिर ये एक FFL फंक्शन होता है, बेसिकली ये आपका जो प्रीवियस वैलिड वैल्यू होगी उससे आपकी इस एक नल वैल्यूज को फिल कर देगा। देन इस पर ही मैंने डेटा सेट को वैसे ही ड्रॉ करा, वैसे ही प्लॉट करा, देन
कुछ कुछ करके एंड आफ्टर दिस अप्लाइंग दिस लीनियर रिग्रेशन आई एम गेटिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग ऑन द डिजिटल लीनियर रिग्रेशन वेयर वी हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट्स एंड हैव टू प्रेडिक्ट वन लेबल. A label is the independent variable and the attribute is the dependent one. Now coming to the logistic regression part, basically this is the section where you have to classify in the very rigid classes. So yahan pe main jo bhi data lunga main aapko dikha deta hu. So yahan pe bank ka data hai basically. So this is a data of a bank. Now it is importing, it is running, so you can get the version of your library using this. Then सो आपका डेटा का शेप 41,000 एंट्रीज हैं जिसके कॉलम्स कुछ कुछ चाहिए हो सकते हैं. वाई वेरिएबल इज योर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आपको प्रिडिक्ट करना है. मेरा डेटा डॉट हेड क्या करता है बेसिकली इट गिव्स यू दी फर्स्ट फाइव रोज ऑफ योर डेटा बेसिकली. और ये डेटा एजुकेशन बेसिकली इसमें एजुकेशन कॉलम है तो इस एजुकेशन कॉलम में कितनी यूनिक एंट्रीज हैं ये उसको दे देता है. तो बेसिकली आपने देखा बेसिक 4.4y है, अननोन है, यूनिवर्सिटी डिग्री, बेसिक 6y, 9y एंड ऐसा. अब मैं क्या करूंगा बेसिक जो भी ये बेसिक 4, बेसिक 9 एंड बेसिक 6 था इसको मैं ग्रुप करके एक नॉर्म एक नई कैटेगरी बना दे रहा हूँ बेसिक जो सारी बेसिक 4, बेसिक 6, बेसिक 9 को कवर करेगा. तो इसके बाद ये मेरी एक नई कैटेगरी बन गई. और फिर इसके बाद अब मैं जैसा मैंने लीनियर रिग्रेशन में करता मैं प्लॉट करता हूँ कि क्या क्या डेटा आया. तो आपका कुछ कुछ डेटा ये देखिए जीरो के सेक्शन कुछ ऐसे थे कि जो क्लासिफिकेशन पार्ट था जो जीरो क्लास थी उसकी वैल्यू समथिंग बहुत ज्यादा थी और फर्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास है बेसिकली दैट इज वन उसकी वैल्यूज बहुत ही कम थी आपके डेटा सेट में. फिर इसके बाद मैंने क्या करा इसके बाद मैंने हर कॉलम पे ग्रुप करके बेसिकली कि एक कॉलम पे मैं सारी वैल्यूज को ग्रुप कर लूंगा और फिर मैं देखूंगा उसकी मीन वैल्यूज और क्या क्या हो सकती हैं. तो बेसिकली दिस इज जस्ट दी एनालिसिस पार्ट. नाउ जल्दी से मैं इसका और भी विजुलाइजेशन का जो भी मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसा लिनियर रिग्रेशन में देखा वैसा ही कुछ कुछ प्लॉटिंग मैंने जॉब के बेसिस पे, देन मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, देन एजुकेशन के बेसिस पे, देन डे ऑफ वीक के बेसिस पे कुछ कुछ करी हुई, देन मंथ के बेसिस पे, देन ये एज के बेसिस पे उसका कुछ कुछ प्लॉट करा हुआ है बार चार्ट, देन ये पी आउटकम बेसिकली दिस इज द परचेस फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम जो मैं डेटा हमारा था और ये बार चार्ट है बेसिकली. अब इस यहाँ पर मैंने एक ये छोटी सी चीज़ आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि डमी वेरिएबल्स बेसिकली आप अपने डेटा सेट में क्रिएट कर सकते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया कि जीरो क्लास बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट क्लास बहुत कम है, तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं. चला देता हूँ फिर मैं ऊपर आ जाऊँगा फिर से आपको समझाने. तो ये डमी वेरिएबल आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा सेट के हिसाब से. नाउ आप इससे कैसे डील करेंगे तो इसके लिए एक स्मॉल टेक्निक होती है बेसिकली सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक जिससे आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कम क्वांटिटी में है आप एक सिंथेटिक डेटा जनरेट करके उसको इक्वल कर सकते हैं ताकि अगर आपके सपोज आप कोई डिसीज क्लासीफाई कर रहे हैं कि वेदर दिस पर्सन हैज कैंसर और नॉट और 100 में से सपोज करिए 5 लोगों को ही कैंसर है तो मैं सबको बोल दूं 100 में से किसी को नहीं है कैंसर और तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं 95% एक्यूरेट हूँ. बट ऐसा तो नहीं है ना कि जिस 5 लोगों को आपने बोला नहीं है बट उनको था. तो इस माइनॉरिटी क्लास को हैंडल करने के लिए ये बेसिकली स्मार्ट टेक्निक्स होती है. देन दिस इज रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जिसमें हम एक फीचर्स को तब तक एक्सप्लोर करते हैं जब तक वो हमारा फीचर बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे देता. और उसके फीचर पे लास्ट में मैंने ये उसकी रैंकिंग भी प्रिडिक्ट करी हुई है कि उसका सपोर्ट क्या है और फीचर क्या है. यहाँ पे मैं rfe.fit ये कर रहा हूँ. दिस इज एक्स जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा था और जो टेस्टिंग डेटा था उसके बेसिस पे उसका प्रिडिक्शन. सो ये रन हो रहा है अभी तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लग जाए. सो नाउ जब तक रन होगा तब तक लेट्स फिर ऐसे ही सिमिलर मैंने साइकिट लर्न से लॉजिस्टिक रिग्रेशन और उसके बेसिस पे यहाँ पे देखिए मैंने टेस्ट साइज 0.3 दे रखा है तो बेसिकली ये 70-30 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो हम लास्ट 80-20 कर रहे थे. और फिर उसके बेसिस पे ये कुछ एक्यूरेसी प्लॉट होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की. देन देयर इज वन कंफ्यूजन मैट्रिक्स. सो टू मॉनिटर योर मॉडल और
to verify to check how better is model you're performing. So uske liye one very good parameter is the confusion metric. Isme bahut sari cheeze hoti hai, precision recall and the F1 score. So ye plot ho jayega to aapko dekhne ko milega ki aapka model kis class pe. So suppose aapki do classes hain jaise yes no, to aapka agar input करेक्ट वेरिएबल यस था तो आपने उसको यस क्लासिफाई करा या नहीं करा, और आपका नो था तो आपने कितने नो को यस क्लासिफाई करा, कितने नो को नो क्लासिफाई करा. तो बेसिकली इसमें अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ऐसे. तो ये देखिए, तो सपोज मेरे एक्चुअल उसका लेवल जीरो था, मैंने भी उसको जीरो प्रिडिक्ट करा, ऐसे 7000 वेरिएबल्स हैं, बट एक्चुअल उसका जीरो था बट मैंने प्रिडिक्ट करा वन, तो ऐसे मेरे 645 पे मैंने गलत क्लासिफाई करा. ऐसे वन लेवल था, वन प्रेडिक्ट करा, ऐसे 6340 हैं, और वन लेवल था बट मैंने जीरो प्रेडिक्ट करा, ऐसे 1335 पे मैंने गलत प्रेडिक्ट करा. और ऐसे ही करके एक ये हीट मैप होता है बेसिकली, दिस जनरेट्स अ क्लासिफिकेशन रोबो रिपोर्ट. सो जो मैंने बताया प्रिसीजन रिकॉल, एंड देन देयर इज आरओसी कर्व. बेसिकली इट्स अ It's a curve between true positive rate and false positive rate. So, yeah, basically just to check how better is model you're performing. So, this is just to get the ROC curve. And there is one area under curve जो आपको बताता है कि आपका model कितना अच्छा perform कर रहा है. So, these are just the parameter. And I have tried to give some basic example of linear regression and logistic regression. आपको समझ आया होगा. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. इन वन वेबिनार इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कमिंग विद द होल हैंड्स ऑन एग्जाम्पल एंड द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. सो आई जस्ट स्टिल ट्राई टू गिव इट यू अ समरी एंड ब्रीफ ओवर यू ऑफ एंड ट्राई टू डीमिस्टिफाई ऑल द मिथ्स अबाउट द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI. होप आई वॉज एबल टू गिव अ ब्रीफ इनसाइट एंड होप सम ऑफ यू मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट. So this was all from my side. Rehan sir, you can yes sir. हमें आप host कर दीजिए sir. Okay. हमारे नाम पे क्लिक करके हमें host कर दीजिए. Okay.